देखिए बेलूर मठ के अंदर में हम आए हैं और कितना खूबसूरत बेलूर मठ, बहुत सारे लोग इवनिंग के टाइम में टहल रहे हैं यहाँ पे। देखिए कितना खूबसूरत ट्री है, पता नहीं अच्छा से। ये देखिए कितना बढ़िया है गार्डन एरिया बेलूर मठ का, और ये है बेलूर मठ का मंदिर। और देखिए इवनिंग के टाइम में कितना लोग भीड़ लगाए हुए हैं, अच्छे से टहल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। ये देखिए बेलूर मठ का मंदिर, ये हावड़ा में स्थित है गंगा किनारे। ये देखिए, और यहाँ पे कितने लोग टहल रहे हैं इवनिंग के टाइम। देखिए कितना भव्य पूजा पंडाल यहाँ पे बन रहा है बेलूर मठ के अंदर में, ये पूजा पंडाल बन रहा है अभी। और ये बेलूर मठ का मंदिर है, और यहाँ से आने के लिए रास्ते हैं जो पंडाल तक आपको आने में आसानी होगी। और ये देखिए गंगा इस, देखिए इवनिंग के टाइम में गंगा किनारे कितने लोग आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने से बोट आ रहा है, देखिए कितना खूबसूरत बेलूर मठ का मंदिर है। गार्डन एरिया में लोग अपना बैठे हुए हैं, शाम के टाइम में देखिए कितना सारा पक्षी। इवनिंग की टाइम है और इतना तेज हवा चल रहा है कि बोट को घुमा दिया है, इतना तेज अभी हवा चल रहा है, बोट को भी दूसरे तरफ खींच रहा है, इतना मतलब हवा तेज चल रहा है। अभी देखिए इवनिंग के टाइम में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए ये बेलूर का मठ जो कि गंगा किनारे स्थित है, और देखिए इवनिंग के टाइम में कितने सारे लोग यहाँ पे अभी आके बैठे हुए हैं, पूरा इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए इवनिंग के टाइम में हम आए हुए हैं तो यहाँ पे ग्रुप सेल्फी लोग ले रहा है। दुर्गा पूजा का पंडाल यहाँ पर बन के पूरा रेडी हो गया है बेलूर मठ के अंदर में। देखिए गार्डन, कितना खूबसूरत गार्डन है। नाइट के टाइम है बेलूर मठ के अंदर में हम आए हुए हैं। देखिए गार्डन एरिया कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और ये मंदिर, पहली बार आज आया हूँ